judgment. ये जजमेंट जो है ठीक। अब जजमेंट में को हमने एक शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन किया था, इसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं ठीक ना। नंबर एक बाद के तथ्यों का संक्षिप्त कथन ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाद के तथ्यों का संक्षिप्त कथन होना चाहिए। संक्षिप्त कथन होना चाहिए, ये उसके आवश्यक पाठ आवश्यक अवयव एसेंशियल नेसेसरी एसेंशियल ये है। नंबर दो क्या होना चाहिए? जजमेंट में विवादक मतलब विवादग्रस्त इशू उसको बोल रहे आई क्या ठीक है ना, इशू होना चाहिए ठीक है। तीसरा होना चाहिए इन विवादकों पर निर्णय होना चाहिए, विवादकों पर निर्णय होना चाहिए ठीक। चौथा पॉइंट है ऐसे निर्णय का आधार होना चाहिए, निर्णय का आधार होना चाहिए। कोई जजमेंट में ये चार चीजें आवश्यक हैं कि इसमें क्या होगा, पहले बाद के तथ्यों का संक्षिप्त कथन होगा ठीक है ना, उसमें वादी प्रतिवादी के द्वारा जो तथ्य पेश किए गए हैं उस तथ्य को साबित करने के लिए जो साक्ष्य पेश किए गए हैं जो गवाही पेश की गई है उनका संक्षिप्त कथन होगा ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या है? विवादक इशू बनेगा जिसमें वादी प्रतिवादी के बीच में विवाद है जिस पर कोर्ट को निर्णय देना है वो विवादक रहेगा और विवादकों पर निर्णय होगा और जितने इशू बनेंगे वादी और प्रतिवादी के प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग से उस पर प्रत्येक इशू पर इनका निर्णय होगा स्टेप बाई स्टेप, प्रत्येक इशू पर निर्णय होगा और वो निर्णय का आधार भी होगा कि निर्णय किस आधार पर लिया गया है, वो आधार कौन से हैं उनका भी वर्णन होगा ठीक है ना। ये आपका जजमेंट है, जजमेंट में ये चीजें जो है आवश्यक हैं। अगर इन चीजों का इसमें समावेश नहीं है तो वो चीज जो है वो जजमेंट नहीं होगा ठीक है ना। अब इसमें आता है विदेशी न्यायालय क्या है? वो न्यायालय जो भारत के बाहर है उनको विदेशी न्यायालय बोलते हैं ठीक है ना। हाँ, विदेशी निर्णय जो विदेशी न्यायालयों के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उनको विदेशी निर्णय कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो अब आ रहा है आपका वो आ रहा है विधिक प्रतिनिधि एक
क्या कहते हैं, सेक्शन 211 में डिफाइन किया गया है क्या, विधिक प्रतिनिधि, विधिक प्रतिनिधि। विधिक प्रतिनिधि कौन है इसको डिफाइन किया गया है, ठीक ना। विधिक प्रतिनिधि है जो मृत व्यक्ति की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है। जो मृत व्यक्ति के संपदा का प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है, व्यक्ति का नहीं, इसके संपदा का प्रतिनिधित्व करता हो, ठीक है ना, उसके व्यक्ति का प्रतिनिधित्व न करता हो बल्कि उसके संपदा का प्रतिनिधित्व करता हो, उसे विधिक प्रतिनिधि कहते हैं। ठीक, क्लियर। और जो इस हैसियत से कोई बात लाता है उसको विधिक प्रतिनिधि के रूप में भी माना जाता है, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत जो है कौन से हैं, क्या हैं, इससे निकल के इस परिभाषा से क्या बात आती है, तीन महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। नंबर एक क्या है, जो संपदा का प्रतिनिधित्व करे, वो क्या होगा, विधिक प्रतिनिधि होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, जो संपदा में दखलंदाजी करे, जो संपदा का प्रतिनिधित्व करे वो विधिक प्रतिनिधि होगा, जो संपदा में दखलंदाजी करे वो विधिक प्रतिनिधि श्रेणी में आएगा। तीसरा क्या होगा, तीन बिंदु आते हैं जब इसकी डिफाइन हम डिफिनेशन करते हैं, ठीक है ना। जहां किसी पक्षकार द्वारा, किसी पक्षकार द्वारा या विधिक प्रतिनिधि की हैसियत से कोई बात लाया जाता है, वह व्यक्ति प्रतिनिधि है, वह व्यक्ति प्रतिनिधि है, वह व्यक्ति प्रतिनिधि है, ठीक है, जिसको ऐसे पक्षकार को मृत्यु की दशा में संपत्ति अवतरित होती है, जिसको मृत व्यक्ति की संपत्ति अवतरित होती है, ठीक है ना। ये तीन बिंदु होने चाहिए विधिक प्रतिनिधि, ठीक है ना। ये तीन एसेंशियल्स हैं, वो जो है वही मान्य होगा कि विधिक प्रतिनिधि है, जो संपदा का प्रतिनिधित्व करे, जो संपदा में दखलंदाजी करे, किसी पक्षकार द्वारा या किसी के द्वारा जो मुकदमा लाया जाता है मृत व्यक्ति के संपदा में अवतरित हो, ठीक है ना। ये है क्लियर, मृत के दशा में संपदा जो है अवतरित हो, मतलब संपदा उसको जाए, उसको मिले, वही है विधि प्रतिनिधि, ठीक है। अब इसको हम डिफाइन करते हैं वन बाय वन, पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये था कि संपदा का प्रतिनिधित्व करे, ठीक ना।
संपदा का प्रतिनिधित्व कैसे होता ठीक ना, क्या है ठीक ना। हाँ ये संपदा का प्रतिनिधित्व कैसे करें, ये जो है विभिन्न प्रतिनिधि के करता है कि ये प्रतिनिधि जो है ये आवश्यक अवयव है विभिन्न प्रतिनिधि के ठीक ना। यहां जो आशय है वो मृत व्यक्ति के प्रतिनिधित्व करने से नहीं है ठीक ना, उसके रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उसका प्रतिनिधित्व करें ठीक ना, उस प्रॉपर्टी का जो प्रतिनिधित्व करने वाला है वो वही जो है विभिन्न प्रतिनिधि के हैसियत में आएगा ठीक ना। हाँ जैसे आप अपने जीवन काल में क्या करता है, जीवन काल में क्या करता है, बाटो वसीयत करता है ठीक है ना। आ अपने जीवन काल में बा को वसीयत करता है और अपनी संपत्ति का प्रशासक नियुक्त करता है ठीक है ना। अब आपकी जो मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी शेष बचती है, लेकिन बात जो है क्योंकि वो प्रशासक नियुक्त है वसीयत के द्वारा, इसलिए जो है विधिक प्रतिनिधि कौन होगा, विधिक प्रतिनिधि जो है प्रशासक होगा, ये प्रशासक होगा क्योंकि यही संपदा का प्रतिनिधित्व करेगा ठीक है ना। हाँ अब इसमें ये महत्वपूर्ण है, मृतक का भाई बहन माता पिता ये कभी भी विधिक प्रतिनिधि नहीं हो सकते, ये इसमें साइटेशन में है पीएन ये केस ला है, केस का कंटेंट ये है क्या है मेरे साइटेशन नोट करिए क्या है पी एन पी एन यूनी बना बेबी जोहन ठीक है, बेबी जोहन ए आई आर 2008 ठीक है, ए आई आर 2008 ठीक है ना, 157 पेज पर है इसे क्या कंटेंट है, यह है कि दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मृतक क्या हुआ, यह दुर्घटना मरा नहीं मरा ठीक है, दुर्घटना के बाद जो मृतक है ठीक है ना, मृतक के भाई बहन माता पिता ठीक है ना, माता पिता जीवित होने पर क्या हुआ, जीवित होने पर उसके विधिक प्रतिनिधि के संज्ञा में नहीं आते, विधिक प्रतिनिधि की संज्ञा में नहीं आते
ठीक ना। हाँ हो गया, चाहे वो मृतक पर आश्रित हो ही हो, मृतक पर आश्रित होने से कोई विधि प्रतिनिधि नहीं हो जाएगा, उसके संपदा का जो प्रतिनिधित्व करेगा वही विधि प्रतिनिधि मेन इशू है, ठीक है ओके।